अरे सांदे पागल, एक दिन वो अपनी नौटंकी हरकत की वजह से एक दिन मरेगा ही मरेगा। हाँ सच में सांदे पागल है, क्या जरूरत थी उसको जलोसिप्स खाने की? मुझे तो जलोसिप्स के नाम सुनकर ही डर लगता है रे बाबा। मंदे मुझे तो गुड़िया के लिए ही बहुत बुरा लग रहा है। हाँ यार मुझे भी। अभी सलमान भाई घर पे है कि नहीं? ओए सलमान भाई ओ आप घर पे हो? हाँ मंदे इधर आओ। ओए सलमान देना पेटीएम करके मुझे 500 रुपया देना। अरे दीदी मेरे अकाउंट में ओनली 1000 रुपया है, तुझको मैं 500 कैसे दे दूँ? दिमाग क्यों खराब करता है? अरे सलमान जब मुझे यूट्यूब से पेमेंट मिलेगा तब मैं तुझको दे दूंगा, फिकर क्यों करता है? दीदी तेरा नौटंकी बंद कर, मैं तुझे नहीं दूंगा। तू हर बार मुझसे सलाखी करके पैसा लेता है, बाद में देता नहीं। सलमान भाई आपको संडे की पापा बुला रही है। किस लिए? कहीं पे जाना है क्या? मेडिकल जाना है और साथ में आपकी गाड़ी भी ले जाने के लिए बोल रहा है। मेडिकल जाना है? किसका क्या हुआ? सलमान भाई सांडे और गुड़िया ने जलोसिप्स खाई थी, अब उन दोनों की हालत बहुत खराब है। ओ भैंस की टांग, क्या जलोसिप्स खाई थी? और सलमान भाई अभी उन दोनों के पिछवाड़े से आग निकल रहा है। क्या आग निकल रहा है? चुअर मेरे साथ ये सब क्या हो गया रे? जलोसिप्स खा के तो मेरा हाल पूरी बेहाल हो गया। हाय गर्मी। ओए गुड़िया तो प्लीज 5 मिनट वेट कर। ओए गुड़िया तो ऐसा मत कर, और थोड़ा प्लीज वेट करना। साला तूने मुझे कुछ नहीं होगा बोलकर जलोसिप्स खिला दी, अभी मेरा हाल पूरी बेहाल हो गया है। साला जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ के अंदर चला जाऊंगा। 1000 में मेरी प्यारी बहना गुड़िया, तू प्लीज समझने की कोशिश कर, यहाँ से उठ जाने का मुझे मन ही नहीं कर रहा है। लगता है गुड़िया सच में दरवाजा तोड़ेगा। गुड़िया खोल रहा हूँ। गुड़िया तो ज्यादा टाइम मत लगाना हाँ, मैं फिर अंदर जाऊंगा। सच में ये जलोसिप बहुत खतरनाक चीज है, लाइफ में किसी को भी ये ट्राई नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा ही नहीं था रे जलोसिप्स खाने के बाद हमारी ये हालत होगी। संदे की मम्मी देखा, अभी भी संदे के पिछवाड़े से आग निकल रहा है। साथ में थाली लेकर नहीं जाओगे तो वो लोग हमें जला के राख कर देगा। संदे की पापा अभी इन दोनों का क्या होगा रे? मंदे और दिसंबर को सलमान को बुलाने के लिए भेजा हूँ, इन दोनों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। सॉरी मम्मी मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गई। साले गलती हो गई, खुद भी खाया और अपने बहन को भी खिलाकर उसकी तबीयत भी तूने खराब कर दी। सॉरी मम्मी मुझे पता नहीं था जलोसिप खाने के बाद हमारी हालत इतनी खराब हो जाएगी। मुझे पता होता तो मैं खुद भी नहीं खाता और अपने बहन को भी नहीं खिलाता। तू इतना मासूम बनकर मुझे मत दिखा, तुझे तो दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है ना संडे। अरे मम्मी आप समझने की कोशिश करो यार, मुझे पता होता तो मैं अपनी तबीयत क्यों खराब करती? जानबूझकर कोई अपने साथ ऐसा करता है क्या? बाल बाल बच गए, साथ में थाली लेकर नहीं आता तो ये तो मुझे आज जला के राख ही कर देते। जब तक इन दोनों के पिछवाड़े से आग निकल रहा है तब तक सेफ्टी के लिए थाली अपने साथ रखना। आजकल के बच्चे खुद को हीरो समझता है, इतनी सी उम्र में जलोसिप खा ली। तुम दोनों के साथ साथ तुम दोनों ने क्यों नहीं खाया रे? अरे दीदी जलोसिप खा के इतनी सी उम्र में ही हमें मरना है क्या? अरे क्यों मरोगे, खाना सही है, बहुत अच्छा चीज है, पेट के लिए बहुत बढ़िया। तुम लोगों को अच्छी तरह से पिटाई करना पड़ेगा तभी तुम लोग लाइन पे आओगे। अरे सलमान भाई आप हम दोनों के ऊपर गुस्सा क्यों कर रहे हो, हम दोनों ने क्या किया? सांदे गुड़िया जब जलोसिप खा रहे थे तुम दोनों ने उनको क्यों नहीं रोका? अरे सलमान भाई हमने सांदे को रोका था, उसने हमारी बात ही नहीं सुनी खा लिया। सांदे के साथ साथ ये गुड़िया ने क्यों खाया रे? वो भी कम नहीं। चंपा दीदी गुड़िया ने अपनी मर्जी से नहीं खाया, संदे ने बोला बहना खा ले कुछ नहीं होगा, तब उसने खा लिया। कुछ नहीं होगा? इन लोगों को एक दिन अच्छी तरह से पिटाई करना पड़ेगा, जो मन में साले वही करते हैं। अभी हो गई ना तबीयत खराब। लाल जी मैं आ गया, उन लोगों को बाहर ले आइए। ओए संदे की माँ सलमान आ गए। ओए सलमान इन दोनों को तो अभी गाड़ी पे ऐसे ले नहीं जा सकता, ऐसे ही ले जाऊंगा तो वो लोग हमें जला के राख कर देंगे। उन दोनों की दर से हाथ में थाली लेकर घूमना पड़ रहा है, देख
पिछवाड़े से पूरी आग ही आग निकल रहा है। तब अभी कैसे ले जाऊं उन दोनों को? नहीं तो सलमान तेरी गाड़ी की डिक्की में लेकर जाता हूँ, चल। ओ भैंस की टांग, आप क्या बोल रहे हो? इतनी गर्मी में उन दोनों को डिक्की में लेकर जाऊंगा तो वो लोग तो सांस नहीं ले पाएगा। ओए सलमान, कुछ सोचता हूँ, तू अंदर आ। सेलन जी, एक काम करिए, दो बड़े बाल्टी पे पानी डाल कर ले आइए, उन दोनों को बाल्टी पे ही बिठा कर ले जाऊंगा। हाँ हाँ सलमान, यही सही रहेगा, वो लोग अंदर है, अंदर चल। सलमान क्या करूँ इन बच्चों का, इन लोगों ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। भाभी, इन लोगों को पिटाई करना पड़ेगा, वो भी बहुत जोरदार। जो मन में है वही खा लेते हैं। जोलो से खाने के लिए पैसा किसने दिया? सांडे को। बिस्तर के नीचे 500 रुपया रखा था, वो लेकर गया। अरे भाभी, आप लोग बिस्तर के नीचे पैसा क्यों रखते हो? लेकर तो जाएगा ही ना। पढ़ाई में जीरो, ये सब करने में हीरो। पिटाई करना पड़ेगा, पिटाई, वो भी बहुत जोरदार। सांडे की माँ, तुमसे नहीं हो पाता तो मुझे बुलाना इन लोगों को पिटाई करने के लिए। पकड़ के ऐसा पिटाई करूँगा, ऐसा पिटाई करूँगा, लाइफ में ऐसी हरकत दोबारा करेगा नहीं। मम्मी पापा तो मुझे समझ ही नहीं पा रहे, जानबूझकर कौन करेगा अपने साथ ऐसा। मुझे क्या पता था जलोसिप खाने के बाद लोगों की हालत इतनी खराब हो जाती है। पता होता तो मैं खुद भी नहीं खाता और गुड़िया को भी नहीं खिलाता। अभी क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। ओ भैंस की टांग, इतना आग निकल रहा है पिछवाड़े से। डॉक्टर के पास ले नहीं जाऊंगा तो ये लोग तो घर जला देंगे। जलोसिप खाने के बाद पिछवाड़े से इतना आग निकलता है, मैं तो लाइफ में आज पहली बार देख रहा हूँ। सांदे, चलो चलो, अभी तो रोने धोने का कोई फायदा नहीं, मेडिकल चलते हैं। सलमान भाई, अभी डॉक्टर सुई घुसाएगा क्या? हाँ घुसाएगा, इतना डर है तो जलोसिप खाया क्यों था रे? चलिए चलिए सलमान भाई, अभी ठीक होने के लिए डॉक्टर सुई भी घुसाएगा तो भी लेना पड़ेगा। मुझसे तो बहुत गलती हो गई रे सलमान भाई। अरे सांदे, तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मेरे आगे आगे जाके मुझे चला के मारना चाहते हो क्या?